ब्लॉक बार बार ब्लॉक में इस कारण आ रहे हैं कि शपथ हम लोगों का 29 क्षेत्र पंचायत सदस्य का शपथ नहीं हो पाया अभी तक और अनवरत इनको अप्लीकेशन दे रहे हैं और टेलीफोनिक भी वार्ता हो रही है इनके आश्वासन पर हम लोग अभी तक रुके रहे सात दिन पहले उन्होंने एक नोटिस दिया जिसमें कि 24 अगस्त को शपथ कराने का आश्वासन और लेटर में पूरी धारा के साथ इन्होंने लेटर भेजा था कि इस धारा के अनुसार आपका 24 अगस्त को शपथ हो जाएगा लेकिन कल ही एक र्यूमर उड़ा कि ये प्रमुख जी जनपद के बाहर रहेंगे इसलिए आपका शपथ स्थगित किया जाएगा जबकि प्रमुख की मनसा ठीक नहीं है ये वीडियो मैडम भी जानती हैं डी भी जानते हैं और हम डी को भी हमने कई बार फ़ोन किया कई बार उनको अप्लीकेशन दिए वीडियो मैडम को भी हम कंटिन्यूसली लगे रहे बल्कि उनका फ़ोन नहीं पिक होता है उसके बाद भी हम नवरत लगे रहते हैं अभी मैडम ने हमको फूलपुर में बुलाया बहरिया गए थे तो वहाँ से बोले कि नहीं हम फूलपुर में हैं बहरिया आज नहीं आएंगे फिर हम बहरिया गए बहरिया में उन्होंने फिर से हमको एक आश्वासन दिया कि पंद्रह दिन के अंदर हम आपका शपथ करवा देंगे तो उसी विश्वास के साथ हम लोग अपने अपने घर फिर से जा रहे हैं आप, आपको जनता ने वोट दिया है जीते हैं आप तो किस तरह से विकास जनता का हो पा रहा है अब विकास जनता का तो मान लीजिए ठीक है क्योंकि अभी तक ब्लॉक में कोई भी समिति का गठन नहीं किया गया है जो अभी प्रमुख है निर्दलीय प्रमुख है उसको अभी मतलब उसकी क्या मंसा है या क्या प्लानिंग है आई डोंट नो बट हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जितनी भी समितियाँ का गठन किया जाता है उसके लिए खुली बैठक होती है कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है ब्लॉक में लेकिन जिस दिन शपथ नियत था सरकार द्वारा उस दिन भी शपथ के बाद बी डी सीओ को सिर्फ नमस्कार करके उनको भेज दिया गया कोई भी एजेंडा पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया गया और ना ही किसी समिति का गठन किया गया ये लोग टेबल के पीछे समिति का गठन मनमानी कर लेते हैं जो भी इनके करीबी लोग होते हैं और मनमानी अपना भ्रष्टाचार अपने अनुसार करने की इनकी पूरी कोशिश रहती है हम विपक्ष में रहें इसलिए हम कुछ ज़्यादा कहते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई विपक्षी हैं ये प्रतिद्वंदी हैं इसलिए हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई ये कुछ कार्य करें अगर कुछ हमको मिलेगा तो हम आप लोग के सामने जग जाहिर करेंगे और हमारा प्रयास है कि सरलता के साथ हम लोगों का शपथ हो जाए हमारे साथ साथ जो उनतीस लोग हैं निायत बेचारे गरीब हैं कुछ लोग अपने अपने काम को छोड़कर आ जाए कुछ महिलाएं भी आई तो इसलिए बड़ा कष्ट होता है देख के कि हमको इन्होंने वोट दिया या ये लोग हमको अपना नेता मानते हैं हम इनका शपथ कराने में असफल रहे तो इसी के साथ हम अपने उच्च अधिकारियों से और बड़े नेताओं से भी मिल इस बारे में हम उनको अवगत कराएंगे कि अब हमारा जल्द से जल्द शपथ कराया जाए क्योंकि विपक्ष की मंशा है उनको किसी ने सलाह दे दिया है शपथ कि नहीं किया जाएगा तो इनका सदस्यता निरस्त हो जाएगी इसीलिए ये भ्रांत भ्रांत तरह के जो है फैलाव कर रहे हैं आप लोगों से भी अनुरोध